नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं आपकी कॉल वीडियो लेके आ गई आप लोगों के सामने। से नहीं बोल पाऊंगी, लोग जानते हैं मेरे हालत कैसे है। मैं बहुत जल्द पूजा जाने के बाद माइक, छोटा सा माइक मैं बिल्कुल दूंगी, मुझे माइक की जरूरत है। मैं इतना चीख चीख के बोल नहीं पाती हूँ। महालय चला गया, लेकिन महालय का दुख मैंने लिया है। आज अमावस्या का महालय का दुख, अगर मैं महालय में कहीं जाती या मैं, लेकिन क्योंकि हम लोग का बरसी अब कालाशुद्ध बोलते हैं वो चल रहा है, तो मैं कहीं जा नहीं पाऊँगी। लेकिन हाँ, मेरा गंगा स्नान अभी बाकी है शुद्ध होने के लिए। डेफिनेटली आप लोगों ने पिछली बार का गंगा स्नान का वीडियो बहुत लाइक किया था, थैंक यू वेरी मच। इस बार भी मैं गंगा स्नान जब जाऊँगी, साड़ी पहनूंगी कि नहीं वो बात की बात है, प्रेफरेबली मैं सलवार पहनूंगी, लेकिन शूट बिल्कुल करूंगी। तो अगर मैं महालय में कहीं जाती तो महालय का लुक बंगाली वाइफ की तरह, बंगाली ब्राइड की तरह, वाइफ की तरह, ब्राइड इज अ डिफरेंट। आज मैंने बहुत कुछ पहना है, मैं डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहती कौन सा सोना है कौन सा इमिटेशन है। बिल्कुल साड़ी की मैं बात करूं तो ये साड़ी मैंने 10 साल पहले खरीदी थी तारापीठ तारा माँ के पास जाने के लिए ये पहनूंगी। बट एक के बाद एक मतलब 2020 से मेरा जर्नी जो शुरू हुआ है हो नहीं पाया। ये है वॉइल कॉटन। कॉटन का भी बहुत सारा वेरिएशंस होता है, ये है वॉइल कॉटन। इसका एक है प्लीट करने के लिए, मैंने ये प्लीट अभी नहीं किया है, किसी और दिन मैं प्लीट करके दिखाऊंगी। इसका एक पट्टी ये प्लीट के लिए दिया है, चौड़ा है, और एक है गोल्डन के साथ बिल्कुल छोटा दिया है, आ चुका। इसका ब्लाउज पीस है, लेकिन क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, फिर मेरी मौसी के पीछे भाग दौड़ करना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, इसलिए मैंने ब्लाउज़ नहीं बनाया है। हाँ, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि आप लोग साड़ी हो या ब्लाउज़ हो, एक तो आप लोगों को लाइक्रा देखना चाहिए। तो ये है लाइक्रा का ब्लाउज, नया है, आज ही मैंने यूज़ किया है, पहली बार मैंने पहना है। तो शायद इसके साथ टीम अप हो जाता है, क्योंकि देखिए भाई, इसमें भी रेड और गोल्डन का टेक्सचर है, मिक्स्ड है, और साड़ी में भी जो बॉर्डर है वो रेड और गोल्डन का है। इसका ब्लाउज पीस भी रेड में है, बहुत बढ़िया ब्लाउज पीस है। बनाऊंगी, धीरे धीरे बनाऊंगी, आपके साथ में शेयर भी करूंगी। ये है एकदम, और गर्मी के कारण ये देखिए मैंने एक क्लिप लगाया है बालों को अटका के रखने के लिए। जी नहीं, आजकल जो सिंदूर का फैशन है, मैं उस तरह से सिंदूर नहीं पहन सकती। तो मैं जैसे सिंदूर पहनती हूँ बरसों से, मैंने वैसे ही पहना है, और मेरी माँ भी ऐसे ही सिंदूर पहनती थी। शाखा पौला और है चूड़ है, कौन सा सोने का है कौन सा नहीं है वो सब मैं करके फ्लॉन्ट नहीं करना चाहती। मैं उस तरह का यूट्यूबर और उस तरह का मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ कि हर चीज़ फ्लॉन्ट किया जाए। मैं एज अ फैशन मॉडल मैं क्या पहनती हूँ वो मैं फ्लॉन्ट करती हूँ। चेन है, एक चेन है, एक तो परमानेंट रहता है चेन है, और नॉन बंगालियों के लिए मैंने एक मंगलसूत्र भी पहन के रखा है। ये मंगलसूत्र आपने बहुत बार देखा है, झुमका पहना है। और रहा सवाल बिंदी का, देखिए बिंदी में रेड और येलो दोनों है। बाय द वे, येलो इज माय सनशाइन कलर। तो जब भी मैं येलो पहनती हूँ तो लोग बोलते हैं कि मैं स्पेशली जो स्पिरिचुअल पर्सन्स हुए या तांत्रिक्स है या कोई साधु है पंडित जी है, वो लोगों को मैं बहुत अच्छी लगती हूँ जब भी मैं येलो पहनती हूँ। मैं पहले जब मंदिर जाया करती थी तो हर पंडित जी मुझे बोलते बेटी तुम जितना हो सके हल्दी का रंग पहनो। तो मेरे लिए फेवरेट कलर येलो नहीं है, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था तो मैंने पहन लिया, एंड होपफुली आई एम लुकिंग गुड। बाकी तो आप लोग बोलेंगे। इसके साथ मैं प्लीट भी करूँगी, प्लीट करूँगी, और जो कमरबंद में जो झुमका होता है चाबी का, वो मेरे पास असली का है चांदी का, वो भी मैं पहनूँगी किसी और दिन जब मैं इसका ब्लाउज में बना लूँगी। तो हेयर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, मैंने कहा था कि मैं हेयर ट्रीटमेंट करूँगी, क्योंकि स्प्लिट एंड्स जब तक आप काटेंगे नहीं तो आपका हेयर ग्रोथ नहीं होगा।
और मेकअप की मैं बात करूँ एज यूजुअल लैक्मे, और मैंने वो लैक्मे का 925 लगाया है, बहुत सिंपल लुक है। उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैंने थोड़ा सा ग्लिटर दिया है, गोल्डन का ग्लिटर दिया है, क्योंकि आज स्पेशल दिन है, महालय है, मतलब हो चुका है, लेकिन आज जो मैं शूट कर रही हूँ महालय बेस्ड दिमाग में रख के शूट कर रही हूँ, तो ऐसे लगना चाहिए। तो आज मैंने कोई एक्सेसरी ज़्यादा नहीं लिया है, ना कोई चप्पल, पैर मेरे नंगे हैं, ना कोई चप्पल, ना कोई हैंडबैग, कुछ भी नहीं लिया है, क्योंकि आलता पहनना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा अभी शुद्ध नहीं हुई हूँ, मैं गंगा स्नान जब तक नहीं करूँगी तो मैं आलता नहीं पहन सकती, ऐसे रिचुअल्स माना जाता है। बहुत लोग तो बहुत कुछ करते हैं, वो उनकी श्रद्धा है, करे या ना करे, मैं जितना मानती हूँ एस बीन अ ब्राह्मण, मेरा एक मॉडर्न थ्योरी है जो रियल दुनिया है, लेकिन रियल में आई एम अ वेरी एस्थेटिक पर्सन, आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, और मैं भगवान को मान के चलती हूँ। विदाउट गॉड आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। सो देखिएगा कैसे लग रही हूँ मैं, अच्छी लग रही हूँ। तो आज का वीडियो यहीं रैप अप करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।